फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल वंशी के ब्यूटी वर्ल्ड में। आज मैं आपको O3 प्लस का फेशियल रिवाइव करके दिखा रही हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए कि आप O3 प्लस का डेमो करके दिखाइए, तो आज मैं ब्लीच से लेके फेशियल का पूरा डेमो आपको करके दिखा रही हूँ। हो सकता है आपको मेरी वीडियो पसंद आए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कम्प्लीट हो गई है, अब मैं इनके O3 प्लस का फेशियल डेमो आपको करके दिखाती हूँ। ओके, अब मैं इनके O3 प्लस का फेशियल डेमो आपको करके दिखाऊंगी। और बाय ब्लीच भी इनके फेस पर काफ़ी अच्छी शाइनिंग आ गई है। कभी कभी मेरे क्लाइंट मुझसे सिर्फ ब्लीच और पावर मास्क लगवाते हैं, जैसे उनको टाइम नहीं है, नहीं फेशियल करा सकते, तो ब्लीच करने के बाद पावर मास्क 20-30 है जिनकी एज के हिसाब से, अगर वो 20 से 30 के बीच में तो 20-30 मास्क लगवाते हैं, और अगर वो 30 से 40 के हैं तो 20-40 मास्क लगवा के ही वो फटाफट से अपने फेस को शाइनिंग दे देते हैं, जिनके पास समय नहीं है, उन्हें अचानक से किसी शादी में जाना है। बट ये रिलैक्स वाला फेशियल है जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, उसमें मैं आपको पावर मास्क नहीं लगाऊंगी, इसको सिर्फ मैं ब्लीच और फेशियल आपको करके दिखा रही हूँ। तो अब मैं फेशियल शुरू कर रही हूँ। प्लस की किट है, इसमें आपके 5 स्टेप है, क्लिंजर, टोन, मसाज, प्रिपेयर और रिपेयर। ओके, अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारा स्क्रब नहीं है, तो अगर किसी की स्किन पे काफ़ी ब्लैक हेड्स हैं और स्किन रफ है काफ़ी, तो आप अलग से प्रोफेशनल मिल्क स्क्रब ला सकते हैं। इसकी प्राइस है 425 इसकी प्राइस है। ओके, ये आप अलग से ला सकते हैं, बट मैं मेरे इन क्लाइंट के अभी ये स्क्रब नहीं कर रही हूँ, इनकी स्किन पे भी स्क्रब करने का कोई काम नहीं, ये एक ब्यूटिशियन को खुद देखना होता है कि स्क्रब करना भी है या नहीं। कभी कभी किट में से भी मैं स्क्रब को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जब किसी की स्किन को स्क्रब की ज़रूरत नहीं है तो हमें नहीं कराना चाहिए। तो मैंने अभी इनके ब्लीच किए, अच्छी तरह स्किन साफ़ हो गई है और कोई डेड स्किन वगैरह इनकी स्किन पर है ही नहीं, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। मैं सिर्फ फेशियल किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम क्लिंजिंग करेंगे, इस तरह से, ये वाइटनिंग क्लिंजिंग फॉर्म है, इस तरह से आता है। और आप इसको करने से पहले थोड़ा सा हिला लीजिए, ये कांच की शीशी होती है, आपको केयरफुल तरीके से रखना और उठाना है क्योंकि ये टूट सकती है। और इस तरह से आप अपने हाथ पर इतना क्लिंजिंग फॉर्म लेंगे, एक फेस के लिए इतना काफ़ी है। क्लिंजर को पूरे फेस पे फैला लेंगे, अच्छी तरह से क्लिंजर को फैला लेंगे, और फिर आप अपने जो पाम है इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे। और आप ये देख लीजिए, मैं स्टरलाइज वाटर यूज़ करती हूँ, मैं रोज़ वाटर यूज़ नहीं करती हूँ, और ये स्टरलाइज वाटर जो है मैं इसका यूज़ करती हूँ। इस तरह से हम क्लिंजिंग करेंगे, अपवर्ड और इनवर्ड मोशन में, इस तरह से। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका क्लींजर स्किन में ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको 1 मिनट की क्लींजिंग मसाज करनी है, मीडियम दबाव देते हुए, ज़्यादा टाइट दबाव नहीं, बहुत ही हल्का दबाव दे दें। आप इसको साफ़ कर देंगे 1 मिनट के अंदर, और स्किन में इसको ऑब्जर्व नहीं होने देना है, आपको किसी भी क्लींजर को स्किन में ऑब्जर्व नहीं होने देना चाहिए, सिर्फ उसका काम है आपको ऊपर से डीप में क्लींस करना, और बस आप इनके फेस को अच्छी तरह से पोंछ देंगे। अच्छी तरह से क्लींस कर दिया है, अब मैं दूसरा स्टेप करने जा रही हूँ, जो है टॉनिक, वाइटनिंग टॉनिक है इसका सेकंड स्टेप। हमें स्किन में ऑब्जर्व करना है, तो आप इस तरह से इसके 4 स्प्रे ले लीजिए और इसको आप अपनी उंगली की मदद से पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे इसको, इस तरह से सर्कुलर मोशन में करते हुए आप इसको
पूरे फेस पे ऑब्जर्व कर देंगे। इस तरह से आईज को रिलैक्स देते हुए आप जो हमारे डार्क सर्कल होते हैं इन पर नोज के कॉर्नर पर, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बिल्कुल स्किन में ऑब्जर्व हो गया है। और इसको हमें वाइप नहीं करना है, इसको साफ नहीं करना है, हमें स्किन पे इसको लगे रहने देना है और एक मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब मैं वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मसाज क्रीम, सॉरी, इसके दोनों एक जैसे सैशे हैं, इसके एक में मास्क है और एक में क्रीम है। तो मैं वाइटनिंग मसाज क्रीम यूज़ कर रही हूँ, इस फॉर्म में निकलती है। इतनी क्वांटिटी एक फेस के लिए लेंगे, इसमें मैं नेक आगे पीछे नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं फेस का कर रही हूँ। तो इतनी क्वांटिटी आप देख सकते हैं, आप स्किन में ऑब्जर्व कर देंगे, काफ़ी है। ओके, इस तरह से मैंने लिए, इस तरह से पहले पूरे फेस पर जो हमारे पास क्रीम है उसको अच्छी तरह से अप्लाई करके, जैसे हम पैक लगाते हैं इस तरह से लगा के इसको, और आधे मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। आधे मिनट के लिए इसको लगा के इस तरह ही छोड़ देंगे, आधे से एक मिनट के लिए। एक मिनट हो गया है, मैं इनकी मसाज शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गर्दन के एरिया से शुरू करूँगी और मैं मेरी उंगलियों का यूज़ करते हुए सर्कुलर मोशन में इस तरह से अपवर्ड आउटवर्ड जो हमारे स्ट्रोक हैं उनको लेते हुए इस तरह से करूँगी। इसके बाद मैं इनकी चिन बोन पर आऊँगी इस तरह से। आपको मीडियम दबाव से हाथ चलाना है, आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। कितना भी कस्टमर अगर आपसे बोले कि आप टाइट मसाज कीजिए, लेकिन आपको उसको समझाना है कि जब हम ज़्यादा टाइट मसाज करते हैं, खासकर गर्मी में, तो स्किन में जो होता है एक हीट क्रिएट होती है, हीट क्रिएट होने के कारण बाद में रैशेज और दाने हो जाते हैं, जिससे क्लाइंट को लगता है कि मुझे फेशियल सूट नहीं किया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रांडेड फेशियल खासकर स्किन के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं, इनमें सूट ना करने वाली गुंजाइश काफ़ी कम होती है। तो आपको स्लोली स्लोली इस तरह से मसाज करना है, धीरे धीरे, जैसे कि स्किन में आपकी क्रीम अब्जर्व हो जाए। आप देख सकते हैं मैं रोज़ वाटर नहीं ले रही हूँ, उसमें रोज़ वाटर नहीं लेना है हमको। और आप इस तरह से नेक से शुरू कीजिए, आपके क्लाइंट को रिलैक्स मिलना चाहिए, तभी उसकी स्किन भी रिलैक्स करेगी। इस तरह से आप चिन पे आइए, ये आप देख रहे हैं मैं यहाँ से कान तक का एरिया कवर कर रही हूँ। इसके बाद आप ये जो हमारी चिन है इस पर फोकस कीजिए, इसके लिए आप टू फिंगर का यूज़ करेंगे इस तरह से, अप डाउन अप डाउन। इसके बाद ये एरिया होने के बाद हम आ जाएंगे डाउन लिप्स और अपर लिप्स पर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं डाउन लिप्स और अपर लिप्स की मसाज कर रही हूँ। हल्का सा हम यहाँ करेंगे ब्लैकनेस जो होती है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो स्टेप आपको सूटेबल लगे और आपके क्लाइंट को भी उससे परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा टाइट और ज़्यादा जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला रही हूँ। कुछ पार्लर्स में इस तरह से जल्दी जल्दी मसाज करते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है। आपको इस तरह से कोई मसाज नहीं करनी है। आप चाहते हैं अच्छा रिजल्ट आए, आपकी स्किन में क्रीम ऑब्जर्व करे, तो आपको इस तरह के स्टेप करने होंगे। इन स्टेप में थोड़ा टाइम लगता है, पर क्रीम अच्छी तरह से स्किन में वर्क करती है, जो उसका वर्क है। और अगर हम जल्दी जल्दी करके इसको रिमूव कर देंगे तो आधी क्रीम हमारी स्पंज में ही चली जाएगी। आप देखिए जब आपके पार्लर में इस तरह से आपके साथ कोई मसाज कर रहा है जो भी है, तो वो इतना जल्दी जल्दी में मसाज करके ना ख़त्म करें, बहुत स्लोली स्लोली करना है। आप देखें मैं इस तरह से ऊपर को लिफ्ट ले रही हूँ उनको, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से। और जो क्लाइंट है, क्लाइंट को भी काफ़ी मतलब रिलैक्स महसूस होना चाहिए बाय फेशियल।
अपर लिप्स डाउन लिप्स के बाद मैं नोइस का, ये जो हमारे खासकर यहाँ पर हमारे डर्ट होता है, ब्लैक हेड्स होते हैं अगर, तो आप इसको करिए। रफ स्किन भी होती है यहाँ पर इस तरह से, इसके लिए सिर्फ 2 फिंगर लीजिए आप इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ पर चिन पर हाथ रख के, जो हमारा नोज का हिस्सा है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आप ये नोज के ऊपर वाले हिस्से पे आएंगे और इस पे माथे पे पुश करेंगे। पे हाथ रख के नोज का एक स्टेप आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर कई लोगों के रिंकल्स जो होते हैं, यहाँ पर लॉफ लाइन उभर आती है, तो ये उसको मसाज करके थोड़ा रिपेयर करेगा। आप देख सकते हैं मैं नीचे से ला के ऊपर की तरफ स्किन को लिफ्ट कर रही हूँ, देखिए। इसके बाद आप चिक्स की मसाज कीजिए इस तरह से, ऊपर को लिफ्ट करते हुए स्लोली स्लोली। आपको इस क्रीम में रोज़ वाटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। अब इसके बाद हम आईज की मसाज पर आ रहे हैं। आप इस तरह से करेंगे, 3 फिंगर लेकर इस तरह से यहाँ लाके आपको पुश करना, जो हमारे आईज के जो टिश्यूज होते हैं उनको यहाँ पर रिलैक्स मिलता है, और जो आईज पे हमारे यहाँ पे सर्कल होते हैं या ये झुर्रियाँ होती हैं, इनको भी रिलैक्स मिलेगा। इस तरह से अप्लाइए, और इसमें आपको आईज पे दबाव बिल्कुल नहीं देना है, हल्के से दबाव देते हुए आप इसको राउंड मोशन में करेंगे। आप 10 से 20 स्टेप इस तरह